हेलो गाइस, स्काई एजुकेटर पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट डेज फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो आज पूछेंगे। अगर इनमें कोई डेज छूट जाता है तो उसको हम जब हम नेक्स्ट वीडियो अगर हम बनाएंगे तो उसमें मैं अलग से आपके डेज अगर इंक्लूड कर दूंगी। वैसे मैंने ज़्यादातर इसमें कवर हो जाए मैंने कोशिश की है, जो आपके मेन मैन है, क्योंकि आपके बहुत सारे डेज है तो आपको सारे याद करना ज़रूरी नहीं है। तो पहले मंथ वाइज मैंने बनाया है, तो आप लोग भी अपने नोट्स बनाते टाइम पे मंथ वाइज ही आप इनको बनाइएगा। जनवरी, 10 जनवरी को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे। याद रखिएगा ये वर्ल्ड हिंदी डे है, ना कि आपका इंडिया का है ये, ठीक है? तो ये वर्ल्ड का है आपका। फिर उसके बाद है 12 जनवरी यूथ डे यानी कि युवा दिवस, 15 जनवरी आर्मी डे, 30 जनवरी मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस। ये 30 जनवरी को हमारा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे गांधी जी की को हमारे इसी दिन पे हमारे नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। फिर उसके बाद हमारा 12 जनवरी को यूथ डे हमारा क्यों मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर है हमारा जो ये हमारा 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है, एक महान हस्ती के बर्थडे पे मनाया जाता है, तो आप ये बताइएगा उनका नाम क्या है। फिर आए फरवरी, 14 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 21 फरवरी वर्ल्ड मदर टंग डे। तो आपका हिंदी डे हमारा अलग है और हमारा वर्ल्ड मदर टंग डे हमारा जो सेलिब्रेट किया जाता है वो हमारा फरवरी में किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, ठीक है, यानी कि विज्ञान दिवस हमारा मनाया जाता है 28 फरवरी को। मार्च के दिन आते हैं हमारे 8 मार्च को आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और हमारा 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा 22 मार्च, 22 अप्रैल, ऐसे करके हमारे अलग अलग डे, तो हमारे ज़्यादातर इसी पे कंफ्यूज करते हैं कि हमारा किस में क्या आता है, तो इसको एक बार हम और रिवाइज करेंगे अभी। अप्रैल, 7 अप्रैल को हमारा आ गया वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि स्वास्थ्य दिवस। अप्रैल 13 को आता है हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर डे, यानी कि जब हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हमारा कब हुआ था, 13 अप्रैल को, तो उसी डे को हमारा मनाया जाता है उनको याद करके, शहीदों को। 18 अप्रैल को होता है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि जो हमारी संप्रदाय हैं, यानी कि जो हमारी जो ऐतिहासिक संप्रदाय हैं उनको, उनका जो डे मनाया जाता है उनके लिए, होता है हमारा 18 अप्रैल को। अब हमारा 22 अप्रैल को है वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये देखिए हमारा 22 मार्च को हमारा क्या हो गया वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अप्रैल को क्या हो गया हमारा वर्ल्ड अर्थ डे। तो पहले हमारा मंथ में हमारा वाटर डे है, फिर हमारा अर्थ डे है, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको एग्जामिनर इसी में करता है। फिर आता है हमारा मई, अब देखिए यहाँ भी हमारा 22 मई आ गया, मतलब 22 22 22 तीन बार आ गया। तो इस दिन हमारा होता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो हमारा सबसे पहले वाटर डे सेलिब्रेट हुआ, उसके बाद अर्थ डे सेलिब्रेट हुआ, उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, जितने भी हमारे जीवधारियों में जो विविधताएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैव विविधता। फिर हमारे जून आया, 5 जून वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। फिर आया हमारा 12 जून, ये होता है हमारा वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो हमारे चाइल्ड्स को लेबर बनाया जाता है उसके उसके खिलाफ हमारा 12 जून को वर्ल्ड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 29 जुलाई को है हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। 29 अगस्त को आता है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे। मैंने इसमें आपके 15 अगस्त या 26 जनवरी आपके वो सब इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो सब कॉमन है, तो जो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है हमने वो इंक्लूड किए हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा नहीं मनाया जाता है ध्यानचंद बर्थडे पर। आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ध्यानचंद्र किससे रिलेटेड है, तो वो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो है हमारा हॉकी, ठीक है गाइस। तो हमारा जो ध्यानचंद है, तो ध्यानचंद ट्रॉफी पूछेगा तो वो भी हमारी हॉकी से रिलेटेड है, ध्यानचंद हमारे हॉकी से रिलेटेड है, और हॉकी हमारा कौन सा है, हमारा इस नेशनल स्पोर्ट्स भी है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है हमारा,
29 अगस्त को। 16 सितंबर की बात करें हम तो कब है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन क्या है, हमारी एक लेयर है, यानी कि हमारी एक लेयर है जो कि हमें हार्मफुल यूवी लाइट से बचाती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। फिर आया अक्टूबर। अक्टूबर को हमारा 4 अक्टूबर को मनाया जाता है हमारा विश्व जंतु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे। और 5 अक्टूबर को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। अब देखिएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे हमारा, जो कि हमारा नेशनल टीचर्स डे, जो हमारा इंडिया का जो हमारा टीचर्स डे है वो मनाते हैं। और जो उसका वर्ल्ड टीचर डे उसके एक महीने बाद है करेक्ट, वो कब है हमारा 5 अक्टूबर को। नवंबर है, 30 नवंबर है हमारा नेशनल फ्लैग डे। फ्लैग डे यानी कि तिरंगा हमारा इसी दिन हमारा अडॉप्ट किया था, हमने इसी दिन हमारा तिरंगा स्वीकारा था कि हमारा तिरंगा, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हमारा तिरंगा होना चाहिए। लास्ट है हमारा 1 दिसंबर को है हमारा वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि हमारा जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का वायरस क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। दिसंबर 2 को हो गया हमारा नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, इस प्रदूषण निरोधक डे। फिर हमारा 10 दिसंबर को हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, ह्यूमंस के जो जो राइट्स होते हैं उस पे हमारा वो हमारा दिन कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो गाइस ये हमने मंथ वाइज कवर किया, और आप भी ट्राई करिएगा जो नोट्स बनाएंगे वो मंथ वाइज करिएगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया वो भी नोट करिएगा, और जो एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे 12 जनवरी वाला वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। और अगर मेरे कोई डे छूटे होंगे तो मैं आपको डे बाय डे उनको बता दूंगी, या फिर जो हम लेक्चर डेली करते हो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।